जिया दिया चेहरा भी लग जाए ने जो व्हील चेयर से होंगे ने भाई इस तरफ मुँह करके सारे बैठे मेरी तरफ मुँह करके मजमे की तरफ ना बैठा करें आप सुनने तो इधर मुझे बैठे हैं तो मैं अफसरों के पास बैठा हुआ था। हम जब निकलते थे मेरा होटल बिल्कुल ऐसे समझे मस्जिद नबी और मेरे होटल के दरमियान एक गली का फासला जिस तरह ये गली उधर से हम निकले सामने रोजा रसूल। मैं बकी के कब्रिस्तान के नुक्कड़ से दाखिल होता था सामने रोजा रसूल होता था वो मेरे नाल खड़े। मैं आज ना इतने बैठ के उनकी सर्चिंग कर रहा सन गौर कर रहा सन कि इहदे च ऐसे लोग भी बैठे जिन्हां दे घरां च पत्थर दे उत्ते भी कलीन विछिया है कलीन दे उत्ते भी कलीन विछिया है ऐसे लोग भी बैठे जिनके घरों में टैले लगी हैं ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके हाथों में सोना है जिनके पास सोना है करोड़पति लखपति इधर लोग बैठे हूँ लखपति तो एवं इट पुटिया ने ढाई मरले का मकान 50 लाख का हो गया है। बोलो हो गया सिर्फ मान ला रहे मौलवी के पैसे नहीं वधाए बाकी हर शह बढ़ गई है। यार पंख इधर करो ऐ जिन्ना तुसी इस्तेमाल बैठा है भाई इको नहीं चलनी कि सड़ गई आ रही है जे टाइम किन्ना को रह गया पीछे हाय हाय हूँ ना दोबारा इमरान खान की हुकूमत आनी तो ना तेरी को आनी छड़ दे खुदा का ना नाल लियानी सी पहले मैं अगे भी जाके तकरीर करनी है रोज बोलना होंगे मेरा चन मेरी मन जल्दी मंगा वेखो ना बूहे आई जन जिते विनो कुड़ी दे कान आंदा इको लैन कली है। मैं गुंबद खिजरा के सामने खड़ा था और जब हजूर का रोजा मुझे नजर आ रहा था बड़े बड़े अफसर मेरे ग्रुप में थे बड़े बड़े नामवर अदाकार मेरे ग्रुप में थे और उनको मैंने हाज बड़ी मोहब्बत से मना में तकरीरें की अरफात में की हर जगह का तारफ कराया कि यहाँ ये था यहाँ ये था यहाँ ये था। तो मैंने जब देखा ना कि ये बड़े बड़े अफसर मेरे पास खड़े मैं मस्जिद नबी में फौरन इंटर नहीं हुआ। मैं उनको कि यार जरा थोड़ा जहा इतने बाहर खलोइए तो गुंबद में वेखिए रोजा रसूल में वेखिए वो मेरे पास खड़े हो गए। अब मैंने जो शेर पढ़ता होता ना यहाँ यहाँ मैंने सारी उम्र पढ़ा है 26-27 साल हो गए मुझे तकरीर करते 10-12 तो इतने भी हो गए आंदे 10-12 साल तो इतने आंदे हो गए 2007 तो लैके 12 तक सुभानी मस्जिद जुमा पढ़ाया रजाबाद आ गई मैंने पता है। तो मैं इंतजार च सा भी है स्पीकर चल जे मैं फिर शेर पढ़ा अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैं हज से ये बात सीख कर आया हूँ बड़े बड़े अफसरों को मैंने उधर देखा बल्कि सऊदी अरेबिया में बिन दाऊद के मालकों को भी मैंने देखा वो देखा ना मुझे गिफ्ट दे रहे थे ऐने ने महंगे उत्ते मैनू एक बंदा कहता तेनू लखा दे गिफ्ट मिले वेच दे। मैं इमरान खां भी मैं वेच दू इन्ने गिफ्ट मैनू मिले बैठ जो शेख साहब फरुखाबाद में रात था तो आप इधर बैठे मिर्जा साहब भी आए कर्नल साहब भी आए हैं कर्नल इंग्लिश मैन वो बैठे हुए ताया जी ताया इंग्लिश मैन जितने बैठे बात सुनी मेरे साथ वो अफसर थे। तो मैं सामने गुंबद खिजरा के पास खड़ा अल्लाह आपको भी ले जाए अल्लाह जो आहिस्ता बोलते हैं इन्होंने चाल वाले पुल तो कदी लार कदी पार उत्थे ही रखी ते आ जड़े उच्ची कहन उन्होंने बार बार बुलाई या अल्लाह इन्हां सारिआं नूं रोजा रसूल बार बार विखा अल्लाह जड़े हौली हौली कहिंदे ने लागे लागे बैठे ने इन्हां नूं मौला करीम आ दसूआ रोड़ विखा समुंदरी ते समुंदरी रोड़ ते गणत सुबह
हाँ तुम किन्ने बंदे बैठे हो मदीने के नाम से भी अगर किसी आमीन नहीं कहना तो यार कि कहना। मदीना पाक तो बड़ी ऊंची जगह का नाम है। सारा मक्का फिर लो सिर्फ एक जंती पत्थर लभेगा जरे अस्वद। जन्नत देखनी है मदीने जाना पड़ेगा। वहां जन्नत का टुकड़ा है, वहां जन्नत की क्यारी है भाई। चलेगा कोनी 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 इंशाल्लाह चलेगा। तू थले बह नजरा साउंड वाले थले बह जा, तेरे तू झकदा नहीं चलन दिया बह जा। जितने बैठे हैं आज इन्होंने प्रोग्राम बड़ा लेट कर दिया। मैं 5 बजे टाइम दिया था, मैं पहुंच गया था। बस इन्होंने असर कदों की हुई है तो नाता तलावत पहलों करवाया चाहिए। मौलवी दे आया शुरू करवाते हैं, फिर मैं घंटा को बयान करना फिर फायदा की। 2 घंटे मैं हर साल बयान करना है। कितने बैठे हैं जरा बात सुने। उम्मत खिजरा के सामने मैं बैठा था, अब मैंने आपके लिए दुआ करनी। दोबारा इतनी ऊंची आमीन आए कि ये पूरी गली गूंज जाए। माए बहने छतों पे बैठी हैं, वो भी आमीन कहेंगी। अल्लाह मैं तो देख के आता हूँ साल में 2-2, 3-3 बार। अल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं इनको हर साल मक्का मदीना दिखा। ये है मोहब्बत इनकी। ये पीछे भी लोग हैं, दाएं भी लोग हैं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। हमने रोजा रसूल और मैं अगर उत्ते पढ़िया जो मैं कहना ना लखा दीद तेरी नू रुल गए ने। ये शेर मैं पढ़ा चस नहीं, तुसी पढ़ो चस नहीं। सामने गुंबद हो गए थले अफसर खड़े हो मन, तुसी भी खड़े हो। बोलो भी इन्ना लंबा सफर बंदा किदे वास्ते जांदा है? अल्लाह रसूल वास्ते जांदा है ना। और उत्थे कोई साडा रिश्तेदार तो नहीं ना, इन्ने लख रुपये ला के जाने। मैं अज तो आया, मैं चाहना सक इस शेर तो मैं तकरीर शुरू करा। तहानू अज मैं थले बैठा वेख्या, को बनिया ते बैठा को खड़ा है। तो मैं रखा यार मैं इन्हों का जौक ना बनावा कि बैठे ने जमीन ते और हजूर की मोहब्बत में बैठे ने। हाथ खड़े करो जेडे हजूर की मोहब्बत बैठे। अगवाई पुआती है। मैं हाथ पता क्यों खड़े कराए? क्या मतलब जबान बंद होनी है? हाथ अगवाई देंगे कसा तेरे यार वास्ते बैठे सा। जानी साहब बोलो माशाल्लाह। कितना इज्तमा है। आपने अब दोबारा ऊंची आवाज से जब मैंने कहना है ना लखा दीद तेरी नू रुल गए अखा च तसवर रोजा रसूल दा रखना है। मैंने तो देखा है, मैं तो देख कर मैं पढ़ के आया हूँ। अब दोबारा मैनू अपने पर आए भुल गए ने, मैनू अपने पर आए भुल गए ने, लखा दीद तेरे नू रुल गए ने। सबने पढ़ना, ये आपने लफज पढ़ना है ताकि अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताड़ी सुने। बोलो भाई जितनी दुनिया है 40 लाख बंदे ने 5 दिन एहराम बने। मेरा भी होया, रोड ते भी पै, असी पत्थरों ते भी लम्मे पै, वीरो गर्मी च भी बैठे, एसी जवाब दे गए अरफात विच, ये सारा कुछ लैट बंद कर पै। ये सारा कुछ ऐसे ही है। जितने बैठे जरा सुनिए, मीर से मीर, गरीब से गरीब, जो भी हज पे गया वो जमीन पे पड़ा है। मेरे साथ फखर जमान क्रिकेटर, फहीम अशरफ क्रिकेटर, बड़े बड़े लोग, मैं बैठा था उनके साथ तो वीडियो बनाई मेरे साथ उन्होंने, तो मैंने वहां भी सोच कर कहा, यहां भी कह रहा हूं बेटा तवज्जो यार। मिलके प्यार ना पढ़ना लखा दे दे तेरे नू रुल गए ने, लखा दे दे तेरे नू रुल गए ने। आ सारे तख्त छड़ के आए जे, सोफे छड़ के आए जे, कलीन छड़ के आए जे, ते गली च बैठे जे, मिलके लखा दे दे तेरे नू रुल गए ने, लखा दे दे तेरे नू रुल गए ने, लखा दे दे तेरे नू यार। इतना इज्तमा जड़ा हजूर दी खातर ये शेर पढ़ेगा, अल्लाह हजूर दी जियारत कराएगा और मिल के पढ़ना है। और ये अल्लाह दिन ले आएगा तानू ये शेर पढ़न दा मजा गुंबद खिजरा नू देख के आएगा। जो सामने देखोगे कि अरब खरब पति जमीन ते बैठे गलियां च फिर रहे की है, मुस्तफा दा दीदार मिल जाए।
लखां दे दे तेरे नू रोल बैने लखां दे दे तेरे नू बुए जनता वाले खुल बैने बुए जनता वाले खुल बैने बुए जनता वाले खुल बैने जद नाम मुहम्मद पढ़िया सारी दुनिया वेखदी पईए जन शहर मदीने चढ़िया हाथ खड़े करके सारी दुनिया वेखदी पईए जन शहर और मैं देखिया जदों मैं जहाज तो उतरिया चेहरे लहदा लहदा रंग लहदा लहदा बरादरी लहदा लहदा मसलक लग लग मजहब सुन लो इस्लाम मसलक लग लग बेटा ये लाइट नहीं जलानी मोबाइल की ये सुन ले जमात लग लग कपड़े एक सफेद एहराम में और गाड़ी जब गुजरी सामने हदूदे अरमाई और ऐसे गेट बना हुआ मैं हैरान हो गया जब वो गेट से गाड़ी की पहली स्क्रीन इंटर हुई तो हर हाजी की जुबान पे लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हमद व निमत लक वल मुल्क हाथ खड़े करके कहना ला शरीक लक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला। चलो एक दफा सारे मिल के कहो ये तस्वर लैके अच्छा चलो मैं नेड़े समझाना मैं कहां ऐदे जिहा साउंड किसी का नहीं ओ राजी मैं कहां जिड्डा सोहना मजमा छोटी नासी दे विच सलाना दस मुहर्रम नूं गली च हुंदा है इहदे जिहा मजमा पूरे फैलबर जिले तुसीं राजी मैं कहां सुनो फैसलाबाद जैसा प्यारा जिला कोई नहीं जिले वाले राजी बंदा सस नूं कहे मेरी सस वर्गी दुनिया च सस कोई नहीं जानी साहबां ने भी सस राजी इन्हें तो भाई राजी रखनी उन्हें मकान ही ये ना लाता है आ गुलबर्ग चूना ना ला दिता है यह जी ससा तो ला रेक दवे हाँ जी आना मैं पैर भी तो धो पीना है वाह भाई पैर की मिट्टी सुरमा भी बना मां है सस नू मां समझिया करो ए कि मजमा बैठा तबारा कोई बंदे नू बेगम कह दे मेरे खावन जिहा खावन कोई नहीं बंदा बेगम ते मेहरबान ते बंदा कह दे मेरी बेगम दी किसी दी बेगम नहीं हो सकती ते बेगम खावन ते मेहरबान चलिया आज मिलके इस गली में कह दो अल्लाह तेरे जिहा भी कोई नहीं इतना मजमा है बोलो अल्लाह मेहरबान नहीं होएगा ला दोबारा तसव्वुर काबे दा रख के ये जुमला पढ़ना मैं लिख के देता हूँ जिसको उमरा नसीब नहीं इंशाल्लाह आज ही अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाल्लाह मगर पढ़ना अपने तसव्वुर में आंखों में काबे का तसव्वुर लाना और आपने कहना अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं सभी सभी मिल के पढ़ना है स्टेज से आप मौलियां मौलियां नहीं कहना क्योंकि ये फिटे होंगे ने क्योंकि ना कोई इलम भी बहुत होंगे है अदब भी बहुत होंगे है ना को तुम पता है जो बंदा जिन्ना मौलवियों के करीब रहा है ना वो रज जाता है तो तुम तो 6 फुट दूर बैठे आ कि दूर है तो हूँ खुदा का ना तो इन्होंने नहीं आप कहना आ सारी पार्टी मौलवियों को थोक के हिसाब न बहती आप स्टेजा तो कहना ही कोई नहीं सिर्फ तुहानू मैं कहना है जिन्ना मजमा है तो इन्हों अगर लोड़ हुई तो भी बोलेंगे सारे ने मिल के प्यार से आ जाए बिस्मिल्ला माशाल्लाह कैसे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया थैंक यू मुदस्सर भाई माशाल्लाह आ जाए मोहब्बत देना जी बैठे इधर आ जाए अल्लाह इस बच्चे की मोहब्बत कबूल फरमाए ये उकाड़ा से आया सुनने वीडियो मुझे भेजी खाने काबे में भी आपका अल्लाह आज कबूल करे और फिर मैंने वहाँ से इसको वीडियो बनाकर सेंड की और ये इतनी दूर कल मुझे कह रहा था मैंने आना है तो आज देख लें कितनी दूर से चला है तो तुम इतने बह के भी तसव्वुर से नहीं जा सकते कितने बंदे दिल करता है कि असी काबा वेखीए
तो अब दोबारा इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए। बोलो कितने हज, सारे बोलो कितने, 25 हज। इतना चुप बैठा है की रुसिया मेरा जानने पुराना, जरा दोबारा जोश आए, आवाज आवे, चस आवे, पवे मैं बोलना था दे जे तुसा बोलना है। इतनी ऊंची आवाज में यहाँ कहना है अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, कि अल्लाह नु भी फरिश्तियां च कहना पै जाए। जो ये जो कहते ने भी मेरे जहा कोई नहीं, तो मैं इन्हों फिर अपना घर ना विखा देवा। जे तुसी कहेगा ना अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, मेरे को साइन करा लो, मैं हुणे ही लिख के देने लई तैयार हाँ, ताडे उठन तो पहला अल्लाह ताडी ख्वाहिश पूरी कर देवेगा। पर कहना इस नीयत नाल या तलबिया कि मां बच्चे नूं उपर फेंके तो जमीन वाल मुस्कुरांदा आंदा, उहनूं यकीन हुंदा मेरी मां ने मैनूं डिगण नहीं देना। तुहानूं यकीन अल्लाह ते है? अज मैं ताडे इक सलाह भी करनी, कदी भी ये लफज नहीं कहना कि मैनू अल्लाह ते उम्मीद है। उम्मीद होंदी है बंदे नू बंदे ते, अल्लाह दे बारे लफज उम्मीद कहना कुफर है। अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते, अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि मेरा यकीन है। उम्मीद तो होती है भी बंदा पूरी करे भावे ना करे, ना करे बोलो ना करे, बोलो बंदा सौरे पैसे धारे मंगन जावे, सौरे देन ना देन उन्हां दी मर्जी, जानी कदी मिले जी बिस्मिल्लाह जी मैंने दित्ते ही उन्होंने। हाँ कहना मैंने दित्ते ही उन्होंने, उन्होंने भी ना बेला पता है कि जानी सारी उम्र इत्थे कटती लैलपुर गुजरां वाले आया है, तो चलो इन मकान दे दो, जो दुनिया तो जाएगा फिर सामभ लांगे। हाथ खड़े करके वादा करे आज काबे का तस्वर लाकर मेरे साथ एक दफा अल्लाह को दो तीन दफा जरा मैं पढ़ी जावा, तुसा भी पढ़ी जाना है, मैनू पता लगे कि गली च कहंदे पैने कि अल्लाह तेरे जा कोई नहीं। मिर्जा साहब जरा मोहब्बत ना सामने पढ़ना, मैं वेखदा मेरे यार 20 साल पुराने यार भी बैठे ने इत्थे, मैं 25-25 साल पुराने यार चेहरे सियान जाना जलसिया च हर एक नू मिलना है, नाम याद रखता है, तुसा सारे पढ़ना है, सरूर आए मेरे बच्चे जवान हो गए ने आ पुत्र माशाल्लाह, ते मैं वेखदा खुशी हुंदी है मेरे हत्थां च। एक बच्चे दे कन्नां च मैं अज़ान पढ़ी, फिर उहदा निकाह पढ़िया, वह फौत होया, उहदा जनाजा भी मैं पढ़िया, उहदे बाप ने कह दी कबर च भी तुसीं उतारो। ऐ मोहब्बत लोगां दी, मैं ना अल्लाह नूं होर बेटा अता फरमा, अल्लाह हर उम्र च दिंदा है। हाँ मैं दोबारा पढ़ूंगा, तुमने भी कहना कि अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि तुम भी जाओगे। हाथ जो ला शरीक लभदा वे हाथ खड़ा करना है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हम्दा व निमता लकल मुल्क ला शरीक लक लबैक अल्लाह। यार आवाज नहीं गूंजी जिन्ना मैं तैयारी कराई ताड़ी, तुहानू ते चाहिदा सी ऐ पूरी गली गूंज जांदी एंड तक आवाज जाए। मैंने कोई आपसे कोई गलत बात नहीं कहलाई, यही कहलाया ना कि कहो अल्लाह तेरे जैसा, ओ हुसैन करबला में उसको सजदा किया, तुम यहाँ नहीं कह सकते। करबला में सजदा किया हुसैन ने अल्लाह को, और नबी तलवारें चल रही हैं तो हुसैन सजदे में है, तो आप तो इधर सुकून से बैठे हैं मिलके प्यार से। यार थोड़ी सी और आवाज जरा उसकी खोले, फिर अल्लाह आपको जजा दे। हाथ खड़े करके लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला इन्नल हम्दा व निमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हम्दा व निमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला इन्नल हम्दा व निमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला।
जिदन मनाच असी एहराम पा के चलने पहला हज का दिन शुरू होंदा है ते कस्मे काफले निकल देने ते हर एक दी जबान मोढे ते बैग पाया होंदा है हज छतरी फड़ी होंदी है ते जदों मना दे खैमियां च धुप बड़ी होंदी है गर्मी बड़ी होंदी है ते मैं वेख्या सड़क ते लो चलदी होंदी है ते जिधर वेखो अल्लाह नूं इह जुमला सब तो प्यारा हज दे दिनां च लगदा है जदों मना दे विच हाजी एहराम पाया है गल च कफनी पाई है ते की कहंदा है अल्लाह मैं हाजर हां किथे तेरे दरबार च पढ़ो लबैक अल्लाहुम लबैक लबैक इन्नल हम्दु वन्निमतु लकल मुल्क ला शरीक लक अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों शहदाए